धरती के प्यारे तेरे आज मानव की दुनिया काम है तेरे रे आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे धान की बाली ये हरियाली कहती है तुझ पे तेरे धरती के प्यारे तेरे आज मानव की दुनिया काम है तेरे आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के निकाल दे जमीन का मालिक के नाम। बहुत अच्छा विचार। अरे गल्लू रघुनंदन से भी तुलवा दे दो तिहाई। ओ शंकर हम तो जाए थे दो तिहाई तोल दी। उन्यासी अस्सी खड़ी खेती बेचते तो 100 रुपए मिलते भाई। अब लेते हैं अगली फसल की साइड। नहीं लाला खड़ी खेती हम नहीं बेचते। दाने उठेंगे तुलवा के ले जाए। मर्जी तेरी। लाद लो। हाँ तुम्हारा माल है लाद लो। चौधरी राजू बट्टा संभाल लो काम हो गया हमारा। अच्छा भाई चल राम राम भैया। नहीं देते खोलो मुझे खोलो ना। अरे रजिया दो घड़ी तो गर्मी लेने नहीं दिया कर पैसे की। मर की उंगलियों में से पैसे निकल जाते। तुम
क्या जानो पैसे की कदर? अभी तो गजरा मौसी का हिसाब चुकाना है, कमला की माँ के पैसे देने हैं। तो मुझे भी तो पशुपति की किस्त चुकानी है। 30 रुपए देने हैं ना? और अपने लिए भी कुछ कहेगा तुम्हें? सब कुछ तो मिलता है घर में। लो एक दो तीन जैसे तुम्हारी चार सब बुला दिया। जिन्हें से मैं कहीं बुला रहा हूँ भगवान को प्रणाम करो। अरे वो भी आ जाएगा तू तो बैठो ना गद्दा। अरे जा तू जरा चिलम घुला खिलाऊं तुम्हें दो हाथ चौपट। भैया मुझे चौपट नहीं होना, अपने को तो चिलम चलेगा। दादा क्या हाल है तुम्हारी खांसी का? कोई बात नहीं, जब फुर्सत होगी बता देना। राम राम दादा। पशुपति, ओ पशुपति, अरे आप चौपाल से कैसे आए दादा? बस तेरी राह देख रहा था। ये ले, ये ओहो, अरे क्या जल्दी थी दादा, अभी घर में गया पैसा और दाल में पड़ा नमक फिर नहीं निकलता। क्यों रमजानी चाचा? बाकी रह गए 30 रुपए वो अगली फसल पे। कोई बात नहीं दादा, कोई बात नहीं। अरे कोई रसीद वसीद भी लेता है कि नहीं? अजी मेहता बंसीला, जब से तुम जमींदार के कारकुन हो गए हो बस रसीद पर्चे की सूची है। कौन सा लगान दिया जो रसीद लूं? घर की बात है, इसमें लिखत पढ़त की क्या जरूरत? तूने तो तमस्तुक लिख के दिया था इसके बाप को, गवाहशुद में हमारा नाम भी है। तो हुआ क्या, रकम चुकती हो जाएगी, पर्चा लेकर फाड़ दूंगा। तुम क्यों अंधेरे में दुबले हुए जाते हो? अरे हमारा क्या, अपनी तरफ से तू हाथ खा अंगारे फाट। पशुपति चल हवेली आ जाओ, बोलिए नहीं। अरे नहीं तेरा वो अपना मौला बफस क्या है? ये ले लो भैया। अरे कहो झूरी, आज पकड़ में आओ मेरा बेटा, हो जाए दो दो हाथ। नहीं भैया मैं तो घर जा रही है। अरे जरूरत तो हमारे घर में भी है, ऐसी भी का लगन भाई। अच्छा ओहीरा तुम लोग चलो, मैं अभी आया। भूख लगी है? अच्छा अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए चारा। खुश अरे तू यहाँ क्या करने आया हो? अब तू ना मिलेगी तो मैं भी ना मिलूं, बता क्यों नहीं आई तेरी? मैं रोज सवेरे मंदिर में पूजने जाता हूँ, उस बूढ़े पीपल तले बैठे तकता रहता हूँ, और तू दादा की रोटी भी बेचती तो भौजी क्या बता? ये न हुआ फूटे मुँह से पूछ लेते कैसी है तू, जी तो अच्छा है तेरा। क्यों बीमार थी क्या तुम पर? ये मुझे क्या बता, मैं यूं ही दोष लगा रहा था तुझ पर, क्या बीमारी हो गई थी? खूब ज्यादा लगती थी। ये बीमारी थी तो मैं क्यों बीमार होने लगी? बीमार हो मेरे दुश्मन तो फिर मिलने क्यों नहीं आए? अरे वाह जैसे मुझे कुछ काम ही नहीं है। अरे ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था? तू नहीं जानती क्या, लंबा वियोग आदमी कह लेता है, पर ये दिल दो दिन का ना मिलना आंखों पर धूप लगा देता है। मंदिर से पीपल, पीपल से मंदिर तक घूमता रहा, तन उदास मन बोझल, तुझे कुछ नहीं होता? होता है सर, भूख बहुत लगती है। अकेले अकेले क्या? हाँ मैं नहीं खाऊंगी। अरे छूटे हो गए,
अच्छा जी, तो मेरे हाथ लगने से झूठे हो गए? नहीं लगने से। भैया कहाँ से आ जाएंगे? भैया तो मैं बैठा के आया हूँ चौपाल। रम गए तो रम गए, फिल्म चौपाल और चौपाई। और भौजी आ गई तो? भौजी आ गई? अरे भौजी आ गई तो कह दूंगा अकलदार निकल रही थी, दवाई देने आया। लाज तो नहीं आएगी झूठ बोल? क्यों का? अरे प्रेम में जिसने झूठ नहीं बोला और पत्थर मार के आम नहीं तोड़े, उसने जीवन का कोई फल नहीं। अरे तुम्हें तो सच में अकलदार निकल रही है, इलाज बताओ। बता। चाक तले की मिट्टी और चार कुओं का पानी लिया, जा जल्दी जा। नहीं नहीं, इससे भी सरल इलाज है। क्या है? बास में बैठकर मक्का खिला, मक्का खाऊंगा पलों में ठीक हो जाऊंगा। जलेबी का सिरा भी मंगवा दूं? तुम जाओगे कि नहीं? पहले बता, कल आएगी ना? और मेरे साथ बैठ के अपने हाथ से मक्का खिला, चल। अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, तुम जाते हो या नहीं? नहीं नहीं जाते। नहीं नहीं नहीं। होता सबसे पहले तुम्ही को दिखा दूं। अच्छा क्या है दिखा? अरे जाओगे दादा, देखो तो कितनी जालिम चीज है, हीरा मोती को पहला मगन हो जाए। क्या लोगे इसका? दादा क्या तुमसे ज्यादा लेंगे? दो पंसेरी गेहूँ दे देना। दो पंसेरी गेहूँ? ज्यादा मुंह खोलते और अंत नहीं। बस क्या दादा, बर्दों से अनाज ज्यादा प्यारा हो गया। हम तो सोचते रहे दादा को हीरा मोती से बड़ा प्यार है। दो पसेरी मांग रहे हो ना? अरे उनसे ज्यादा क्या प्यारा है, उनपे तो खलिहान भर दूं। आ मेरे सर। क्यों गए दादा? राम से नहीं, तुम जरा यही ठहरो, में अभी आया। बस क्या दादा? भैया घर घर मट्टी के चूल्हे हैं, समझा करो इन बातों को। तुम बहुत सुंदर लग रही है। क्या लाए हो? तू बुझ। मेरे लिए कुछ लाए हो? ओ, तेरे लिए रबिया इस छोटे से गांव में क्या मिलेगा, तेरे लिए मेले से लाऊंगा। ये देख, हीरा मोती के लिए लाया हूँ। शाम देखती है रबिया, गौर को देख, संगीत खिलाऊ है कमरे में। क्या लाया हो भैया? तेरे हीरा मोती के लिए पट्टे लाया हूँ। हार का हार पाए चुका है, दो पंथेरी गेहूँ निकालना। हाँ? तो तू क्या समझती खेत में उग रहे थे? राम से नहीं चिल्लाया हूँ, दो पंथेरी गेहूँ देना चाहिए। तो इन्हीं हाथों लौटा दो, समझे ना? दो पंथेरी कहूँ, दो अठवाड़े चलती है घर में, मैं बुहारी में से दाना बनाना चुनती और तुम पंसेरिया उठाते रहते हो। पहले पिछला देना चुका लेने, फिर देखो। अरे बात तो सुन रही। अरे सुन तो सही, तू चुपके से अनाज निकाल ला। रबिया लेन देन जन्म मरण तो लगा ही रहता है, दो घड़ी चाव भी तो पूरा कर लेने दे। पहले दहेज देने का चाव पूरा करो, कल को चंपा को कराए घर भेजिए, खाली हाथ भी जा करोगी क्या? दोनों भाई बहन एक तरीके हैं, न तुम्हें दहेज देने की चिंता, न उसे घर चलाने की चिंता। ये तो रजिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन दहेज में क्या कर रही हो? सुन भी बस, आज ही दहेज जोड़ोगे क्या? अरे ये भी कुछ पूछने का वक्त है, चलो मेरे बहुत काम पड़ा है। अब मैं समझी। अभी सुनते हो? मैं कहती तुम्हारा फर्ज छोटी
की बड़ी पसंद। हमें तो तुम्हारे सर का एक बाल जा रहा है। क्यों, मैं तुझे भी अच्छी तरह समझती हूँ। अब भाग जा जल्दी। फहरा दे चंपिया, हम भी तो देखे सब इनकी। अब तो आई गल जाती के जमनवा, अल रोलन हो लल्लन वाना, हो लल्लन वाना। अब तो आई चंपिया, अरे ओ ननंदिया। हाँ फौजी। जाओ अपने भैया से कहो रसोई चीन ले जाओ ना। भैया, ओ भैया, फौजी कहती है रोटी खा लो। मुझे भूख नहीं। क्यों? तुझे जो कुछ कहा है वो कह दे जाके। भैया कहते हैं भूख नहीं। अरे वाह, भूख क्यों नहीं है? सारा दिन खेत में काम किया है। उनसे कहो कि खाना नहीं खाओगे तो नींद नहीं आएगी रात को। तुम खुद ही कह दो ना भाजी, मुझे काहे को पाचन बनाती हो, कभी इधर कभी उधर। तुम ये कहती हो वो ये कहती है। वाह, अपने झगड़े आप चुकाओ जी। उस वक्त अपने हाथ से उठा के किसका होता। संख्या बड़ी आई। ए जी ओ, सुनते हो? चलो खाना खा लो। ये क्या बात हुई? भूख क्यों नहीं है जी? बात यह है रजिया, इस घर की मालिकन हो तुम। दो धड़ी अनाज तुम्हारा बिना रजामंदी उठा दिया हमने, व्रत रख के पूरा कर लिया। नाखूनों खोदे कुएं नहीं बनते जी। चलो खा लो। नहीं रजिया, मैंने फैसला कर लिया, तुम चंपा को खिला दो और खुद खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। वाह, तुम भूखे रहो, मैं खा लूं। पहले तुम खा लो, फिर तुम्हारे हाथ धुला के मैं खाऊंगा। चलो उठो। नहीं रजिया, मैंने कह जो दिया मैं नहीं खाऊंगा। जी, मैं भी नहीं खाऊंगी। मर्यादा की मर्यादा पुरखों से चली आई हूँ। अरे वाह, अब हाथ पकड़ के उठा लाती ना भौजी। लो जी, वो तो हाथ पकड़ के मायके से ले आए थे, तो यहाँ से ना ला सके। अच्छा रानी बहन, अब तुम भी मुझे सता लो। खबरदार भी चौके की चीजों का हाथ लगाया। मैं मर गई हूँ क्या जो मेरा शौक मनाने चले हो? मेरे होते हो आप परेशान, मुझे नर्क में धकेलोगे क्या? चलो बैठो ना। नाराज हो जाती हूँ बिन बात रह दिया, पर एक बात है, गुस्से में और भी सुंदर लगने लगती है। गुस्से की तो बात ही थी, तुम समझते हो हीरा मोती से मुझे प्यार नहीं है? जी जानता है मेरा कितने लाड़ले मुझे बच्चों की तरह। जानता हूँ रजिया, जानता हूँ। तो खिलाने उड़ाने का लाड़ होता है जी, खाते कैसा है वो तो तुम जानते ही हो। झूल बनवानी थी तो मैंने अपनी साड़ी भी नहीं ली, तुम्हें झूल बनवा दी। सजाने का लाड़ मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भगवान देव, तो चांदी मरवा सुनो सर, पर कल को खाने में कोई संकोच पड़े ऐसी बात क्यों करते हो? पर खाने के लिए भी तो भगवान ही देता है। जब दांत में थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगो? मुझे तो कथा में जाना है। पहले खाना तो खा लो पेट भर के। श्री आनंदन भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर निस्थगित हो गए, पलकों ने गिरना छोड़ दिया, अधिक स्नेह के कारण शरीर भी बल हो गया। ऐसा लगता था जैसे शरद के चंद्रमा को चकोरी एक चकनिहार लगी। तो सज्जनों, जनक नंदनी को नारद जी का वचन याद आ गया,
उनके मन में एक पवित्र प्रेम जागी। माथे पर पसीने की एक बूंद तारे की तरह चमकने लगी। थक नयन रघुपते कछु मन सको जानी। सोए नहीं अभी? अच्छा, प्यार नहीं किया ना? और भाई सब चोर छिपे और मोर छिपे पागल रतुआए। अरे रजिया, जाग रही है? ये तो अच्छा है ना तुम्हारी ज्योति से। ये क्या बात है? राह देखते अखियां पसरा जाए किसी की, पर तुम्हें गरज, तुम्हें तो बैल प्यारे हैं, भले किसी की जान जाए। राम ना करे रजिया, बात ये है अपने बेटे जो हुए नैनों के तारे। हाँ जी, भगवान है दोनों, नैनों में बसते हैं तुम्हारे, और हम तो सामने होते भी दूर रहते हैं। कैसी बातें करती हो रजिया, तू तो मुझे जी जान से प्यारी है। अरे बात तो सुन, हो क्या गया, जरा देर हो गई कथा में। इतना अच्छा प्रसंग था, श्री रामचंद्र जी जनकपुरी पधारे और सीता जी फुलवाड़ी में अपनी सहेलियों के साथ। बापू से कहना था ना जेल उड़ा कर कथा में जाते, बड़ा आया बेटा बनकर। अब बुरा मान गया? अरे कौन बुरा मान गया, तुमसे कौन पूछता है जी? मैं तो आप पूछने आया, कौन बिसर जाता है तुम देखते। बैल बेटे, अरे शर्मिया के बेटे के तुम्हें देखने आए थे बापू तुम्हारे, जब मैंने धसकार दिया। बड़ा ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा, अपनी तो सुर बिखरी रहती है उनकी। अच्छा हीरा मोती, अब तुम सो जाओ। मैं सोच रहा हूँ जिन माँ बाप के बच्चे बड़े हो जाते हैं उन बेचारों की क्या हालत होती होगी। अब मुझे ही देख लो ना, अपनी चंपा है, राम रखे बड़ी अच्छी है, पर जब कभी तुझे नजर भर के देखना होता है तो पहले आंख बचा के उसे देखता हूँ कहीं वो तो नहीं देख रही है। फिर राम राम करके उसकी आंख लगती है तो ये दोनों जगरे होते हैं बेटे तुम्हारे। अब तू ही बता, अपनी दो बातें करनी हो तो किस वक्त करे कोई? Oh, my God.
डट के खाए मरो फिर भी भूखा रहे, समझी? सीधे से कहो ना भाजी, अपने हाथ से खिलाना है भैया को। काजल लादू वो भी डाल के जाना, आंखों के डोरे देखेंगे तो और भूख लगेगी भैया को। जबान चलाना सीखी हो, अब हाथ हिलाना भी सीखो। चल रोटी बना। क्यों, मुहूर्त निकलवा कर बैठे हैं? चल जा। जा। वारी लाग, चलो ना देर हो रही है। एक रोटी बनाने में हाथ जला दिया, सारे घर की बनाएगी न जाने क्या होगा, कट जाएगा जिसके घर जाएगी। ला तेल लगा दे, तूने तो छाला पड़ जाएगा। तुम जाओ बिंदिया भाभी, भौजी को देर लगेगी। हैरान काहे को कह दिया तुम्हें रोटी बनाने को, ला मैं बनाती। जा तू दे।
कर दे आंगन जल दे मिलने के दिन आए कि तेरे बिन अब तो रहा न जाए कि तेरे बिन अब तो रहा न जाए। बड़ी छुपके बैठी है चंपी। तो और क्या करती, कब से राह देख रही थी, अब मैं जाती हूँ। तो जब आती है दूध चूल्हे चढ़ा के आती है मिलने। ये देखा क्या है, भैया की रोटी लेके जा रही है। बुरी बात, खत्म बड़ी। अब तो बड़ा मुंह दिखा रहे हो, इतनी देर कहाँ से? जमींदार मालिक के बैलों को दौड़ लगवा रहा है। तुमसे क्या मतलब? मेरे सुपुर्द किया है ना मालिक। अच्छा, तो नौकरी कर दी तुमने जमादार की? जमींदार। जमादार, तुम्हें खुशामद होगी, तुमने चाकरी की है, हमने थोड़ी की है। तो हमने कौन सा उम्र भर के लिए पता नहीं किया, बस मेले में बैलों को दौड़ाना है। क्या भागते हैं चंपा, दूर पा ऐसे बैल पैर बैल नहीं मिलेंगे। हीरा मोती के साथ दौड़ोगे? हीरा मोती हल्के बैल है, हल्के, वो क्या दौड़ेंगे इसके साथ? और ये दौड़ेंगे, तुम्हारे जमादार के है ना, एक तुम दौड़ोगे एक ये दौड़ेंगे। दौड़ते हो मेरे साथ, चलो देख। अरे नहीं चंपा, अभी तो तेरे साथ बैठ के प्यार की बातें करने को। तुम अपने जमादार के बैलों के साथ बैठो, उनसे प्यार की बातें करो। चल भी चल दिया, चल। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे नाम का दोस्त है, ऐसे नाम वाले तो पशुओं के साथ ही बैठेंगे। कामी के बल महाराज, मत के बल पर चल निकले थे, आन फसे जोड़ी किसकी है? क्यों, कैसी है दादा? दूर पास इस मुकाबले की जोड़ी नहीं है। अच्छा, चिराग तले अंधेरा, जरा नजर घुमा के इधर देख ले। हीरा मोती? अरे ठीक है दादा, खेती के बैल लाख अच्छों पर इनका क्या मुकाबला। अरे ये तो रथ की जोड़ी, रथ की खड़े खाते हैं, चर्बी आ गई। दादा दौड़ते भी है, दौड़ा के देख लो, कोई पकड़ भी नहीं सकेगा इन्हें। जो पकड़ ले तो? अरे कोई मदाल है दादा, पकड़ ले तो। अरे भैया को आरती क्या है, दौड़ा के देखते। अरे हो जाए, डर गया तुम? डर गया? अरे मैं डर गया? मैं नहीं डरने वाला, हो जाए। तुम्हारी जोड़ी की दौड़ है। हीरा मोती? हाँ, क्या दौड़ेंगे? क्या दौड़ेंगे खिला खिला लिया था रात को इनको। हो झोली, शरत बन लिया हमने, अब तेरा भरोसा है, हार लेना पाए। खातर रहो निशा, खातर रहो रघुनंदन। अरे बताई मेहता जी, खाने चैलेंज को। अरे देखो मेहता जी, देखो तो तैयार है। अरे तैयार दादा। हजूरी
राम राम दादा। अरे तुम्हें तो बहुत ही राम राम है पशुपति। फिर दौड़ करवाओगे? अरे नहीं दादा, हंसी हंसी में बात बहुत बढ़ गई। जिम्मेदार मालिक ने हीरा मोती को मंगाया है। क्यों? तुम्हें इनाम देने के लिए, समझे? वो अपनी हवेली तुम्हें दे देंगे और आप यहाँ आ जाएंगे रहने को। तेरा मतलब है मालिक नाराज हो गए मुझसे? अरे नहीं नहीं, बहुत खुश है तुम पर। तुम्हारे डर जीत गए हैं ना, इसलिए आधा राज और लड़की का डोला देंगे तुम्हें। झिक झिक ये जा रही सीधी बात नहीं बताती। तो मालिक नाराज है दादा, उन्होंने हीरा मोती को तलब किया है। ऐसा लगता है वो हीरा मोती को रखना चाहते हैं। रख कैसे लेंगे, उनके बाप के हैं। भैया तुम लेके ही न जाना। हाँ ये भी ठीक है, मैं लेकर ही नहीं जाऊंगा। पर दादा इससे तो मालिक और नाराज हो जाएंगे। हाँ ये भी ठीक है, पशुपति मालिक नाराज हो गए तो फिर जिएंगे कैसे। हाँ पशुपति तू एक काम कर, हाँ तू फिर से दौड़ करवा दे, मैं हीरा मोती को जान बूझ के हरवा दूंगा। क्यों कैसी कही? क्या कहने तुम्हारी समझ में, घूंघट निकाले से मुझे दाग करे जाते हैं क्या? फिर वही चेक चेक, रास्ता तो कुछ बताती नहीं, खामा का कहावत बोल रही है। बैठ, तुमने दौड़ा थी, मैंने नहीं दौड़ा है। सोचो तुम, सोचने दो तुम। अच्छा हाँ सोचो ना, बैठ के। राम राम दादा। क्यों रजिया, अच्छी है तू? अरे गया काका, बैठो बैठो। मैं बलियापुर एक बारात में आया था, सोचा तुमसे मिलता चलो। आज तो बड़ी धूम है गांव में तुम्हारे बैलों की, सुना है जमींदार की जोड़ी को हरा दिया। महीना भर को तेरा बड़ा काम था। वाह छुट्टी कहाँ काट रही हूँ मैं, तो कह रही हूँ कि भैया को बैल दे दो। नहीं बैल चाहिए, ले जा इसी वक्त, नहीं तो रिश्तेदारी का है। मैंने सोचा था एक दो दिन विश्राम करूंगा, चले जाऊंगा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, मैंने प्रण दे दिया है, जान जाए पर वचन नहीं। चलो किसी वक्त ले जाओ, आज ही ले जाओ। अच्छा कल ले जाओ। नहीं नहीं कल की बात नहीं, कल की बात नहीं, 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 नहीं। आज ही, कल बुद्धि बुद्धि छोड़ा नहीं करते। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ भैया आओ। अरे पर मुझे दो घड़ी विश्राम तो कर। तुमने किस मुंह से कह दिया था बैल दे दो? बैल तुम्हारे हैं? तेरे साथ अपने घर रहेंगे, जमींदार के घर तो नहीं जाएंगे, समझी? एक बात कहूँ, तुम आदमी बड़े अच्छे हो, नाम भले जैसा हो तुम्हारा। हाँ भैया बोलो। जयराम जी की दादा। हीरा मोती के बिना जी नहीं लगेगा। तुम तो कह रहे थे कि जब चंपिया सोती है तो ये जगह रहते हैं, अच्छी हो गई तुम्हारी। वो तो ठीक है पर डरना हो तो मजा भी तो नहीं करता। जाने भर पे चारा भी मिलेगा बेचारों को। वाह मेरे भैया के घर तुम्हारे घर से ज्यादा चारा है। वो तो मैं जानता हूँ, खिलाने के लिए दिल भी तो चाहिए तेरे घर। Thank you.
मैं तेरी बुआ के हैं। बड़े सुंदर हैं। बस नाम न ले, दांतों पसीना आ गया इनको यहाँ तक लाते। लाड लाड में नाच कर रखा है जानवरों का, जिसे देखो लाड करता है, जिसे देखो लाड करता है। क्यों बाबा, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है? अरे वो तो घर का घर ही बच्चों का है और इन्हें मुतवन्ना कर रखा है। वाह क्या नाम दिए हैं, हीरा मोती और करतूत में कंकर और कोयला। इनका नाम हीरा मोती है, इनमें से हीरा कौन सा है? ये या वो? हाँ? काशी कौन पहुने आए हैं, ये किसके बैल हैं? अब तो इन्हीं को पहुना समझ रज्जा के घर से आए हैं। तो क्या यही घर मिला भी इन्हें लाने को? मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी, सदावत लगा रखा, मैं नहीं रखती हूँ। अरे पर सुखिया, मैं इनको घर में नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगा। अब तुम मेरी बात तो सुनो गुरु भाई, आप ही मर जाए। सुखिया नहीं लाया हूँ, वो तो झूरी भैया ने रस्सी आते हैं समाज। तो सारा कुंडा उठा के लिया के साथ, सबके खाने पीने का मुफ्त इंतजाम हो जाता। पर सुखिया ये खाएंगी थोड़ा, खेत में काम करेंगे, शहर से माल लाएंगे। मुझे नहीं चाहिए माल, अब भी वापस कर दो मुफ्त खोरो को, अब खुद भी नहीं जाते रहो, मुझे ना तुम्हारी जरूरत है ना इनकी। सुखिया बहुत बड़बड़ करेगी तो एक गणपति दूंगा, ठीक हो जाएगी। अच्छा तो गणपति दोगे, देखती हूँ कैसे देता। दो दो ना भगवान, आदमी मरते मर जाए पर दूसरा ब्याह न करे। अरे मैया मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला, दिहाजू के घर का है वो ब्याह, रोज रोज कुल के मरने पर। गुरु भैया तू तो ऐसी रोने लगती है, पगली मैं तो तेरी हर चितवन पर मरता। देख मैं तेरे लिए कानों के बुंदे लाया। झूठ है कहीं। अरे तुझ सरीकी तो 50 कोस में नहीं होगी तकलीली, लम्बा पहना दे। नमस्कार तो बैल बांध दे, रख लो बेचार जी। बाप रे मेरी तो कुछ भी नहीं, खेलने का कुछ नहीं किया, किया तेरी अम्मा ने जिस तरह जना, खुद तो मर गई जन्म जनू, मुझे मुसीबत मेरे से छोड़ दे। 1000 बार तुझसे कहा है जब मैं और तेरे बाबा बैठे तो अंदर मत आया कर, लेकिन बैल तो भाग रहे थे। मर मर करती ही जाएगी, मरती भी नहीं, मर मत कहीं के। हमारा नाम गया है, हाँ जानियो, जोर जोर तोड़ गई तो का चलो समझेता हो, सिकंजा मत कस गई, हाँ सारा तनाव निकाल गई शरीर को, कस के बांधा हो खूब जोर से कस के, मक्खी ना हिला पाए ससर। क्या जानियो हमको पशु पाले का ढबात है, ढोल गवार पशु और नारी ये सब चालन के अधिकारी। अभी अभी क्या बोल रहे थे? अरे कुछ नहीं, वो जरा पशुओं को समझा रहा। फिर मेरा नाम क्यों नहीं अभी की? अरे तेरा नाम तो भगवान के नाम के साथ लेता हूँ, करेज पे लिखा है। कहाँ है मेरे बुंदु? अरे वो तो बिसर ही गया था। चलो आओ थक गए हूँ, कुछ जलपान कर लो। अरे चल लो मेरे दिल की दामन गीत। और
हमारे काम में नहीं आ सकती तो मालिक क्योंकि इसके गोलियों के दो निशान रहेंगे। पहली गोली में गोली थी इसके दिल का दर्द अरे नहीं मालिक ने तो दूसरी गोली इसलिए चल कितना आपके हमारे हंडाराम दिली है मालिक की। मालिक झूरी के बहन दे गया उसका खाला आके गया खेत बाहर का सरकार और क्या हल्के बैल है मालिक खाली में जीतेंगे। हाली में जीतेंगे दौड़ भूल गए मेले में नहीं दौड़ेंगे। अजी उनकी क्या मजाल मालिक वो एक दिन हल से पुल पड़े थे उसी खुशी में दौड़ पड़े अपने बैल को रख के बैठ है मालिक रात हाथ में रहे तो नजर ना पकड़ पाए उनको। बेशक आज तक दौड़ में हम ही जीतते आए हैं ये जोड़ी बड़ा नहीं है इसलिए तुम इसका ज्यादा ध्यान रखना। जी जान लगा दूंगा हजू शाबाश। मैं तो आपकी आ रही थी लगे पंछियों की भाखा बोली तेरी बात जोते जोते आंखें डूब गई और तू बरखा ऋतु की तरह तरसा तरसा के आती। अच्छा जी और नहीं तो तुझे खुशी की बात सुनानी थी। सुनाओ ना रोका किसने जानती है चंपा जमींदार का ध्यान मैंने पलटा दिया हीरा मोती पर। अच्छा तो क्या बात हुई जमादार से। जमींदार जमादार जमींदार जमादार 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 तो बताओ ना क्या बात हुई जमादार से। क्या नहीं बताता ये लो नाराज। अच्छा सुनो माफ कर अब बताओ बड़े लगते आती हुआ ना मैं तो सर भी रख दू अब बताओ पहले बताओ जमींदार मालिक है ना उनको तो बस सिर्फ इतना चाहिए था इस बार भी मेले में उनकी जोड़ी जीत जाए। क्या सो क्या तो मैंने बता दिया कि हीरा मोती को तो गया का कर ले गए वो मुकाबले में दौड़ेंगे ही फिर क्या सब ठीक हो गया। अब रख देता एक बात बताओ तुम आज ही बड़े अच्छे हो नाम भूले जैसा हो तुम्हारा क्या बात है जी। अरे बड़ी मौजूद मुझे मत छोड़ जी फिक्र कर रहा था गुरु भाई तो रोका किसने है करो ना जोरों की बात। देख गुरु भाई ये जनावर है ना रजिया के भगवान कसम क्या दौड़ते हैं डाकुओं के घोड़े की तरह तो ये हुई जोरों की बात। अरे तू सुन तो मैंने सोचा है कि इनको सीतापुर के मेले में दौड़ा दूं 200 रुपया इनाम मिलेगा। हाँ 200 रुपया की रेस आई तेरी नकनिया भी बन जाएगी बाजू बंद भी और वालिया भी। बड़े बेवकूफ हो जी दौड़ा क्यों नहीं दिए जाओ दौड़ा दो। अरे अरे पर मेरा तो परसों है बुढ़ो ही परसों मैं समझी क्या आज मालिक ये घोड़ी के बैल यहाँ कैसे आ गए पशु बच्ची तो कहता था हीरा मोती में बड़ा नुकसान नहीं लेंगे।
बेटा, भाग बेटा। इसीलिए मांग कर ले गए पता है, पैसे के लालच में मां के बाजू से किन आ रही। दादा मेरी बात को सुनो, मैं सुना लगा ले मुंह पर ताले, ले लो नाम जाकर, पर आदमी का बच्चा है तो आज से मुंह में सिखाइए मुझको। लाज रखनी तुमने मेरी, आज लाज रखनी। कैसे दिया कुछ नहीं, दो घड़ी चैन से भी बैठने देगी या नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। दरिया इसे जाके कह दे मैं घर पर नहीं। क्यों? तू जा भी कह दे, जा उठ उठ उठ। वो तो इस वक्त घर में नहीं है, कहिए क्या काम है? ये लो 100 रुपए। 100 रुपये? हाँ 100 रुपये। ये काहे के 100 रुपये हैं? ये तुम्हारे बैलों की कीमत है, उन्हें हम ले जाएंगे। हमारे बैलों की कीमत? हमारे प्यार की कीमत देने वाले तुम कौन हो? हमारी ममता मोल नहीं पीकती। ये लो अपने रुपये। ये मालिक का हुक्म है। मालिक? काहे का मालिक, किस बात का मालिक? खेती करते हैं लगान देते हैं, जमीन उसके बाप की नहीं हमारे पुरखों की है। हमारे बड़ों ने पसीना खींच कर बनाया इस धरती को, अब भी हमारा पसीना बहता है तब फसल उगती है। हमें उनकी माल सब चाहिए, न उनका माल। ये अपने रुपये। तेरी ये हिम्मत, बैल में खुद खोल जाएगा, देखता हूँ क्या करने की। ये खलिया नहीं जो अनाज उठा कर ले जाओगे, बैलों को हाथ लगाया तो पछताओगे। बहुत देखे तुम जैसे, तो फिर मैं भी देखती हूँ। माँ का दूध पिया तो लगा मेरे बैलों को हाथ, कपाल ने तोड़ दिया तो मुझे कहना। हिम्मत तो बड़ा आगे दिया बड़ा। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, बुरी जिता दिया है। अरे तू जा जा यहाँ से, अगर फिर मेरे बैलों की तरफ देखा तो तेरी रुपया। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बड़े शेर बनते हूँ, जमींदार से क्यों जाकर बैल नहीं दूंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया रजिया, जाने से क्या नतीजा हो? मजदूर का प्रताप तो आया, बैल खोल कर ले आया? नहीं मालिक, इज्जत बचा कर ले आया हूँ।
मतलब हजूर की बख्शिश मंजूर नहीं, झूरी है उसकी जोरू को, ये रखी है मालिक के कदमों में। अगर मैं इज्जत बचाकर भाग ना आता मुंह नोच लेते मेरा वो। जब मालिक का नाम लिया पैसा उठा ली उसने, कहने लगी जा कहते अपने मालिक से जाकर, जाकर लेगा तू और तेरा मालिक। लगान दिया है उसने? अदा कर दिया है। तुमने रसीद दी है? जी मालिक। क्यों दी? क्या पता था चूंटी के पर निकल आएंगे, लेकिन सरकार की नदी अब भी पूरी हो सकती है। मालिक के एक नमकहार पशुपति का कर्रा है झूरी के सर पर, वो कर्रा खरीद कर सरकार के नाम कर लेते हैं और वसूली के लिए झूरी पर नालिश कर लेते हैं। जाओ तकबीर करो। जो हुक्म मालिक। मानने की हो तो मान जाऊंगी। अच्छा हाथ दे। नहीं बच्चा नहीं दे। बच्चा नहीं मानता मैं। ये आरसी मेरी माँ की है, उससे पहले ये मेरी दादी की थी और अब ये तेरी है चंपा। क्यों अच्छी है ना? नहीं भैया देख लेंगे तो। आज भैया से मिलकर बिया का दिन ठीक कर ही लेता। क्यों मुझसे क्या कहते हो? तुम जानो भैया जाने। और तू कुछ नहीं जानो? मेरी तो इन्हीं हाथों पर लगेगी ना, और उपटन चार से मुखड़ी पे। अरे बलराम सिंह दादा से अपनी बारी पे होगा, घर का मालिक ने बुलाया। अच्छा जी। नहीं नहीं मेहता जी, ये मैं नहीं कर सकता। झूरी दादा को कुछ नहीं देना है मेरा। बाबा ने इनके शादी पर कुछ कर दिया था तो उन्होंने चुका दिया और उन्होंने जबरदस्ती दस्तावेज लिख दी थी, वो भी मैंने फाड़ के फेंक दिया। अच्छा तो यही है वो फटा हुआ कागज? ये कहां से मिला मेहता जी? रैयत के दरवाजे मालिक के लिए हमेशा खुले रहते हैं। रियाया का माल मालिक की मिल्कियत होता है। अब तू आंखें बंद करके उसे दस्तक कर दे। ये मैं कभी नहीं करूंगा मेहता जी, ये तो जबरदस्ती है। नहीं हमारे हुक्म को जबरदस्ती कहता है, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमारी नापरवाही करता है। रिश्ते का लिहाज है मालिक, झूरी के बहन से इसकी शादी होने वाली है, मगर इसके पहले इसकी बर्बादी भी की जा सकती है। अगर तू हमें खुश रखना चाहता है तो दस्तखत कर दे। क्या तू ये चाहता है कि झूरी का घर नाम निशान तक मिट जाए? मालिक हम ये सरकशी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस मांग में तुम सिंदूर डालने जा रहे हो हम उस मांग में खाद भी डाल सकते हैं, यह मत भूलो। रियाया की जान हमारे पक्ष से है, रियाया की किस्मत हमारी नेक दिली से है, तुम्हारी ये सब में कोई दखल नहीं। क्या तुम ये चाहते हो उस घर के आबू हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए? मालिक तो सरकार तो दखल पता तो चले किसने कचहरी की है मुझ पर। जमींदार साहब को जो तुमने देना है उसके वसूली का दावा किया है उसके मुख्तार ने। भैया मुझे जमींदार मालिक का कुछ नहीं देना है, मेरा लगान बेबाक है, रसीदे हैं मेरे पास। और पशुपति का जो देना लगता है वो भूल गए, मालिक ने सारा कर्जा खरीद लिया है। पशुपति ने आप दस्तखत करके दिए हैं। पशुपति? पर मैंने पशुपति का कर्जा चुका दिया है, थोड़ा बाकी है। वो पशुपति जाने, मैं जानू मालिक का क्या लेना देना उसमें। ये तुम कचहरी में आके बताना। चुका दो जी। अब रो मगर तुम कहाँ जा रहे हो? पशुपति के पास, पूछता हूँ उससे। मुंह पे दादा दादा कहता और पीठ में छुरी मारता है, बेईमान कहीं का। पशुपति, ओ पशुपति, पशुपति, पशुपति।
और उसकी तरह घर में छुप बैठा है, शर्म नहीं आती? बता कौन सा पैसा देना है मुझे तेरा? है आप बाहर निकल, चांदी के टुकड़ों पर ईमान बेचता है। पंचायत बुलाऊंगा पंचायत, फिर देखता हूँ तू कैसे मुँह छुपाता है पंचायत से। पंचों में परमेश्वर, पंचों से हाथ जोड़कर विनती है कि मैंने पशुपति का सारा कर्जा चुका दिया, कुल 30 रुपए बचते हैं, वो जब चाहे ले ले। उसका कहना है कि उसका कर्जा जू का तू पड़ा है। मैं पंचों से न्याय मांगता हूं, मेरा न्याय किया जाए। पशुपति हाजिर है। पशुपति तो नहीं आया है पंचों। झूरी, पंचायत जब तक पशुपति का इजहार न सुने फैसला कैसे दे सकती है? जाओ कोई पशुपति को बुलाकर लाओ। अरे भाई वो नहीं आ सकता, मैं उधरी से आ रहा हूँ। वो तो बुखार में पड़ा है बेचारा, मैं उगाही के लिए निकला था, मगर वो तो बड़ा लंबा काम है, गांव भर के नाम से लिखे हैं मेरे खाते में, किसी पे तकाजा करना है, किसी को रसीद देनी है। तो पंच परमेश्वर ये जान ले कि उसके बदले में मैं आया हूं। रही कर्जे की बात, तो वो उसने बेच दिया है मालिक को, अब वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही जैसे तुम अपने बैल बेच दो, तो भाई जो खरीदेगा वही खिलाएगा ना, बेचने वाले का क्या ताल्लुक रह गया अब? उसका ताल्लुक ये है कि वो अपना कर्जा वसूल कर चुका है, जब जब बंद पड़ा है थोड़ा थोड़ा करके चुका दिया उसका पैसा, सारा गांव जानता है। नहीं नहीं झूरी, नाम लेकर बताओ किसके सामने पैसे लौटाए थे? ये पंडित जी के सामने दिए थे एक बार। क्यों पंडित दीनदयाल जी, तुम्हारे सामने झूरी ने पैसा लौटाया था? हाँ हाँ, ये तो धर्मराज का दरबार है, बिना खौफ के कह दो। मुझे तो कुछ याद नहीं पंचो। तुम्हें तो याद होगा रमजानी चाचा, तुम भी खड़े थे सामने। भाई हक की बात तो ये है, एक बार बात चली थी कुछ। हाँ हाँ, क्या बात चली थी कुछ? कुछ जिक्र तो हुआ था, मगर मुझे पूरी तरह याद नहीं कि इसने पशुपति को पैसे दिए थे या पशुपति ने इसको पैसे दिए थे। और कोई दवा है जूरी? सारा गांव जानता है, पंडित दीनदयाल जी जानते हैं, पादा बंसीदास जी जानते हैं, रमजानी चाचा जानता है, जुम्मन लोहार जानता है, दाता भाई जानता है, और तो और माता बंसीलाल जी खुद जानते हैं। ये नेम उठाकर कह दे मैंने नहीं दिया पैसे। लो सुनो नए शाम जी, झगड़ा इनका, नेम हम उठाएं, ये एक ही रही। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, तुम्हारे झगड़े में नियम क्यों उठाए कोई? क्यों जी? मैं पूछता हूँ, तुम लोगों के दिलों से धर्म नियम बिल्कुल उठ गया है क्या? सांस बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, कहाँ है तुम्हारी मर्यादा, कहाँ है तुम्हारा धर्म? मैं पूछता हूँ पंडित, जरा उस भगवान की सौगंध खाकर कहो जिसके नाम से मैं आज तक डराते आए हो, कहो पाधा, उसी राम नाम के सहारे कहो जिससे पेट भरते हो, रमजान चाचा उसी खुदा का खौफ खाकर कहो जिसके सामने खड़े होना एक दिन जाकर। सुन लिया सब लोगों ने, अब कोई ईमान धर्म से इसकी गवाही देना चाहे तो आवाज दे। पंचो मेरे तो अपना लगा नहीं बाकी, झूरी तेरा कोई गवाह नहीं, ऐसी हालत में पंचायत कोई फैसला नहीं दे सकती, समझ गए? समझ गया पंच, समझ गया। पर अब तुम लोग भी समझ लो, आज से मत कहना कि पंचों में परमेश्वर बैठता है, पंचों में परमेश्वर नहीं, बही खाता बैठता है, बही खाता धर्मराज नहीं, दिल का दर बैठता है, सूद ब्याज बैठता है, कर्जे की रकम बैठती है। होना क्या था? आज मुझे पता चला इस गांव में मेरा कोई साथी नहीं, कर्जे के गुड़ में सबके दांत चिपके हुए, पर किसी को क्या दोष दूं, ये कांटे अपने हाथों में पुरे हुए, न तो रुपए फेंकती और न आगे दिन देखना पड़ता,
उस वक्त तो पाव में आकर गंदा था उठा लिया था, लेकिन ये नहीं सोचा था गड़ा खोल रही है अपने कसम के लिए। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरा चाहती हूँ तुम्हारा। गड़ा खोल तो मेरा कल कर दिया मिल जाए, नजरों से दूर कभी सदा के लिए शांति मिल जाएगी। बिसूरने से क्या होगा रबिया, कुछ कहो अब करें क्या, मुझे तो कुछ सुझाई नहीं देता। बैस जमींदार को दे दो। रबिया ये तुम कह रही हो? रबिया हमें भी अपनी धरती माँ को बचाने के लिए अपने बेटे को निछावर करना ही होगा। जाओ जिस पर पत्थर रखते थे। नहीं भौजी, हीरा मोती नहीं जाएंगे, मेरे रहते नहीं जाएंगे। चंपा क्यों ना बोलो, पार बोलो, मेरे पहले तुम्हारे किसी ने लाई थी। जाओ ले जाओ, तुम्हें आप जाकर खोल दे। खबर नहीं भाजी, मेरे पहले को हाथ लगाया तुम कौन हो जो छोड़ने वाली? रबिया ये मेरी माँ जाई बहन है, खबर आज उसे हाथ लगाया था। ये तुम्हारी बहन और वो तुम्हारे पैर, मेरी एक बड़ा रही हुई करने ना। आओ जरे साहू, मुझे 300 रुपए उधार दे दो, मैं पशुपति के पैसे उसके मत्थे मार दूं जाकर। मूल अर्घ दोनों दूध में धोकर दे दूंगा तुम्हें, बस इतनी कृपा कर दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बड़ी मुश्किल है जूरी, जिम्मेदार मालिक से बैर कौन ले। मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ के माफी मांग ले मालिक से, वरना गाँव में रहना मुश्किल हो जाएगा, सब नीलाम हो जाएगा, कर्जा फिर भी पूरा नहीं होगा। देख ले तू तो आप समझदार, जमीन के बिना किसान क्या। कहाँ ले जाने देती? कहाँ है वो? सो रही है। तो मैं अभी दे आता हूं। Thank you.
मुजरा करता हूं मालिक। इस वक्त क्या करने आया है? हीरा मोती को लेकर आया। ये वक्त लाने का जाओ का सब आते रहो ना। इसी वक्त रख लो मालिक, सवेरे जाने में मुझे मुश्किल पड़ जाएगी। पर इसका कबूल कर लो मालिक, इस वक्त रसीद कौन लिखेगा तुम्हारे लिए? उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, वो फिर मिल जाएगी। सुखा बांध दो भालों को ठान पर। मेहरबान मालिक, मेहरबान। कहाँ चले गए भैया, कहाँ चले गए? कहाँ नहीं चले गए?
जमींदार ने मांगे थे जमींदार को दिया। बड़ा अच्छा काम किया। कल को मुझे मांगेगा तो दिया ना अपने हाथ। चंपा। हाँ, गले में रस्सी बांध के ले जाना और फेंकना उसके सामने। चंपिया। मारो, तुम भी मारो, भौजी भी मारो, सब मुझे मारो। इसी दिन के लिए माँ मर गई थी ना, तुम्हारी मार खाओ, मारो मारो मारो, हमेशा के लिए मुझे मार डालो, बढ़िया मारो मुझे, मारो। चंपिया मुझे माफ कर दे चंपिया। दादाजी सामने जीप चलाई तो बता देता। देखो गया, ये बैल नहीं बेटे हैं मेरे, इन्हें लाड से। अरे तुम निशान खाते रहो दादा, इन्हें मारियो मत। अरे नहीं मारता, तुम विश्वास रखो दादा। मैं चल। अरे पर दादा ये क्या हुआ, आएगी और चलेगी तो? वो तो झूठा करते जाओ दादा, कलेवा चबेना कुछ नहीं। नहीं तुम्हारी बहन राह देखती होगी, दिया जले तक पलटने को कह आया था। तेरे हाथ में तो पानी शरबत बराबर है, कुछ खाओगे भी? नहीं अभी जल्दी है। पूरा पानी पियोगे? अच्छा नहीं होता। खाने के लिए फिर कभी आ जाऊंगा। अच्छा
से यूं न चलाकर कमर में बल पड़ जाएगा। अपनी मर्जी के खिलाफ भी बहुत काम करना पड़ता है। हाँ हाँ, मर्द मजबूर हो जाता है। तुमसे तो पशु अच्छे, उन्हें मजबूर करके कुछ काम नहीं करा सकता कोई। बर्तन धुले, उंगलियों को संभाल संभाल कर काम करती है। वो घिस जाएंगे ना राजरानी को। अब कपड़े कछाने कौन तेरी माँ आएगी? ऐसी बात क्यों करती हो चाची? अभी धो जाती हूँ। जल्दी करना, जल्दी चलते मौत पड़ती है क्या? देख के तो पाँव रखती नहीं धरती पे, अंधे कहीं से उठती उठती फिरती है सारे में। देखे क्या कर दिया तुमने, ये कांसे का पता मायके चलाई थी समा समा कर और परे डाल दी अंधी ने। मैंने जान के तो नहीं किया चाची, मैं तो जान के तो नहीं किया, काम के ना काज की घड़ी भर अनाज की। ठीक है वक्त सबसे पहले बलों से मारकर बैठेगी, खाइयो आज गुस्से रसोई में टांग न तोड़े तो मुझे कहियो। जल्दी वापस आ जाए, जी तो अच्छा है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है गुरु भाई। तो ये बैल है ना धूरी दादा के, क्या बताऊं माँ अड़ियल दोनों, जो अड़े जो अड़े चलते ही ना थे। हथेरा मारा पर राम का हो जी, घर की हिल जाए पर ये ना हिले, और खेत वैसे ही पड़ा है अंबा। और खाने पर तो यूं टूट पड़ते हो जैसे सात जन्म के भूखे हो। खाना आज चूरमा बनाकर खिलाऊंगी का राक्षस, सुनते हो जी? बांध दो इन्हें, बांधने दो भूखे, एक दिन मरेंगे दो दिन मरेंगे आप तबियत ठिकाने आ जाएगी। चलो अब बच्चों आ चलो। Thank you.
पंचायत में कोई बोलता नहीं मेरी तरफ से। यही तो सोच रही हूँ कि तुम अकेले हाकिम के सामने क्या करोगे। मैं अकेला नहीं हूँ रजिया, सच है मेरे साथ। और फिर वो जमींदार की देवड़ी नहीं, अदालत है अदालत। वहां दूध का दूध और पानी का पानी होके रहे। तो मुंशी जी करो तो दाखिल इनको अपने यहाँ। मटन का खेत उजाड़ दिया ससुर। अबे ये किसके हैं, कुछ अता पता है इनका? ऐसो का कौन अता पता मुंशी जी, आवारा सैलानी है ससुरे। अच्छा छोड़ जा, जो वाली मालिक होगा छोड़ा के ले जाएगा। अरे पंडित धकेल दे इनको अंदर। अच्छा जाता हूँ मुंशी जी। अरे कहाँ जाता है, सर नमक लिखा कर जाता। संकट मोचन नाम है मेरा, संकट मोचन। तुम कोई ऐसा आदमी पेश कर सकते हो जिसके सामने तुमने पैसे लौटाए और वो अदालत में हाजिर हो सके? हाँ हजू, ये मेहता बंसीलाल हाजिर है अदालत में, इन्हीं के सामने तो पैसे लौटाए थे मैं। मेहता बंसीलाल, मेहता बंसीलाल हाजिर हो। चलो मेहता जी, अब भीता उठानी पड़ेगी। कौन सी भारी है देखी मैडम, किसी का हाथ में लेकर जाओ कि तुम जो कुछ भी कहोगे उसे धर्म से सच सच कहोगे। जो कुछ भी कहूंगा धर्म से सच सच कहूंगा। तुम्हारे सामने मुदायला ने कभी पैसे लुटाए पशुपति को? नहीं, मैं कभी नहीं। गीता उठा का झूठ बोलते रहता, शर्म नहीं आती? अबे सच बोलने में क्या लाज है, और अब तो धर्म बीच में है, कोई पैसे झूठ नहीं बोला है। बच्चे झूठ का सच बनाते मेहता, जीव में कीड़े पड़ेंगे, ये झूठ तोड़ बनकर निकलेगा शरीर से, कुल तैनात हो जाएगा। खामोश, तुम जा सकते हो बंसीलाल। चलो हजूर, और कोई गवाह है तुम्हारा? आदमी से तो सच की आस ही नहीं रही हजूर, अब तो भगवान ही गवाह है। और वो अदालत में पेश नहीं होता। अदालत इस रकम की
और मुबले 40 रुपए 8 आने मुकदमे के अपराजात की मुदई के हक में डिग्री देती है। बसूरत अपने अदायगी मुदई को हक हासिल है तो वो ये रकम धूरी के असासे और जायदाद से कानूनी तौर पर वसूल कर ले। अराजी मिल्कियत झूरी साकिन मौजा आदमपुर कोर्ट में अदालत जनाब तहसीलदार बहादुर तहसील अजीमाबाद नीलाम की जाती है। नीलाम की रकम गोली के खात्मे पर वाजिबल अदा होगी। काटने जा रहा हूं पर तेरा खेत तो बिक गया भैया। खेत बिक गया पर खेती तो नहीं बिकी, वही काटने जा रहा हूं। पर अभी तो दाने भी नरम है, एक अठवाड़े और ठहर जा। मैं नहीं ठहर सकता रघुनंदन भैया, घर सब दाने निबट गए और उधार की आस नहीं था मुझे। जैसे हो गए वैसे ही काट लूंगा, आज तो पहुंचेगा मुंह तक। पर अकेला ही काटेगा, वालों ने अकेला छोड़ दिया और तुम उसी को कहते हो। है मुझे भी किसी की मदद की जरूरत नहीं, मेरे भी हाथ पांव सलामत है, अपना काम आप कर लूंगा। ओ शंकर कहां हो बेटा, अरे हटिया ले ले इधर आओ, आगे 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 काम इधर आओ। अरे अरे चलो चलो चलो, ये क्या करते हो? तुम्हें बता रही ये इमली तो हमारी हाथ में आती है, अब नहीं तो कैसे नशा नहीं देखता। क्या है भाई ये, चलो तो चलो ए फरियाद चलो तो। अब यहाँ क्या करने आया अबे? मैं आपकी खेती काटने आया हूँ। ये खेत तेरे बाप का है, बोली दे के छुड़ाया हमने, ये मालिक की मिलकियत है। समझा? जमीन लिए मालिक ने, खेती तो नहीं ली। मैंने बीजा है, मैंने सींचा है, मैं ही काटूंगा। देखो धूरी, अगर एक पांव भी तूने खेत में रखा तो ये तांगे तोड़ दूंगा, ये हसिया हसी बन जाएगा। ये तो जुलम है ना मेहता जी, सीना जोरी है तुम्हारी, अंधे रह ये तो। उसकी फसल है मेहता जी, वो तो काटेगा। अदालत ने धरती दी है, खेती नहीं। कानून सिखाने आए हमें, जितना कानून हमें दरकार था कचहरी से ले लिया है, आगे हमारा कानून चलेगा। ये तो जोर जुलम है। कहिया मरेंगे, इन्हें हमारा कानून दिखाओ। अरे आओ दादा, राम राम। यहाँ क्या किसी ब्याह कारज में आना हुआ? मैं बड़े संकट में पड़ गया हूँ भैया, हीरा मोती को लेने आया हूँ तेरे पास। क्यों, वो पहुंचे नहीं तुम्हारे पास? क्या मतलब तेरा? यहाँ से एक रात रस्ता तोड़ा के भाग गए, बसेरा खोजा बसेरा खोजा, कहीं नहीं मिले। मैंने सोचा बैल हैं, पहुंच जाएंगे कान पर, नहीं पहुंचे। क्या गया? सच सच बता, कहाँ है हीरा मोती? नहीं मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल मैंने बताया है तूने? मैं बहुत मार करती थी और यहाँ खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, तो मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी, उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उनको छोड़ दिया।
मेरा घर पहुंच जाना। बैल तो सदा खान पर पहुंच जाते हैं ना। नहीं लाडली, नहीं, जब दिन फिर जाते हैं तो बैल भी खान पर नहीं, अपने ही लिए से घर को आग लग जाती है। तेरा कोई दोष नहीं मेरी बच्ची, तेरा कोई दोष नहीं, किसी का कोई दोष नहीं। अच्छा गया, अच्छा। बैलों से इतना प्यार करते और मैं तुझसे प्यार न करूं। झूरी, ओ झूरी, कौन है? आया भीतर। अरे ये क्या? गांव छोड़ रहा हूँ। अरे अपने पुरखों की धरती छोड़ के जा रहा है तू? अब ये पुरखों की धरती नहीं है, जमींदार की धरती है, जमींदार की। यहां फसल नहीं उगती, अपमान उगता है, अपमान। हम रोटी नहीं खाते, अपनी इज्जत निकलते, इज्जत। शहर जाऊंगा, मेहनत मजूरी करूंगा, कुटुंब का पेट पाल दूंगा। वहां तो बस नहीं चला आपने भैया, ले ये थोड़े से दाने लाया हूं, धर ले, फसल कटे तो और लाने, या और तो कुछ नहीं सकता, पर इसकी मदद तो सदा कर सकता हूं तेरी। मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दे तेरे अभिनंदन भैया, बचा दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं किसान का बच्चा, मेहनत करके खाना मेरा धर्म है, और तुम मेरी खैरात लेकर आए हो। रघुनंदन भैया, छुरी को भीख मांगकर खानी पड़ेगी। चलो, 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 चलो
घर ले जा रहा हूँ, तुम कौन होते हो गरजने वाले? हमारे बैल है। और सुनो, ये इसके बैल हो गए? अरे बच्चे थे जब से पैर के बड़े किए इनको। तुम कौन होते हो इन्हें अपने करने वाले? अरे भैया ये झूरी के बैल है, सारा गांव जानता है। हाँ तो जाने, हमने सरकार से खरीदे हैं। चलो सरकार कौन होती है हमारे बैलों को देखने वाली? हमारे बैल सरकार के नहीं, समझे? जो कुछ कहना अदालत में कहियो बीबी। अबे पकड़ बैल। अरे 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 ने बता दिया। अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। अगर दो बैल एक होकर कसाई को भगा सकते हैं तो खुदा की कसम हम एक होकर अपना हक जरूर हासिल कर सकते हैं। हम झूरी का मुकदमा फिर से शुरू कराएंगे। मैं गवाही दूंगा उसकी। मैं बताऊंगा, मेरे सामने पशुपति को पैसे लौटाए थे। मैं तेरी गवाही दूंगा। मैं अपने आप बताऊंगा मेरे पैसे वसूल हो गए। मुझे कुछ नहीं देना झूरी दादा से। दादा क्षमा कर दो दादा, क्षमा कर। मुझसे जबरदस्ती लिखाया था, मुझसे जबरदस्ती लिखाया। मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ। मैं कहूंगा अदालत में कि मेरे पैसे वसूल हो गए। झूरी आज हम एक हैं, हम तेरी जमीन वापस लेके देंगे, हम तेरा मुकदमा दोबारा खुलवाएंगे। वो तो बहुत दूर की बात है रघुनंदन भैया, अभी तो मैं अपनी खेती काटने जा रहा हूँ। पर भैया तू अकेला नहीं जाएगा, हम सब लोग साथ जाएंगे। किसी ने भी इस खेत में पांव रखा तो हम उसे गोली दौड़ा देंगे। मारो मारो मालिक, मुझे गोली मारो। पहले अपनी चालबाजी का शिकार किया, आप अपनी गोली का भी निशाना बना दो। मेरे तो अपने सब बिछड़ गए तुम्हारे काले करतूत से। अब मारो गोली हम पे, मारो मालिक, मुझ पे गोली मारो। चलाओ गोली जमींदार मालिक, चला दो जितने गोलियां हैं तुम्हारे पास, बदला नहीं लेंगे। खून बहाना हमारी आदत नहीं है। हम अपना हक लेने आए हैं और हम अपना हक लेकर छोड़ेंगे, लेकर छोड़ेंगे।
जमाना बदल गया जमींदार मालिक, अब गोलियां गिनने का वक्त नहीं रहा, सीने गिनने का वक्त आ गया है, सीने गिनने का। देख लो कितने सीने हैं यहाँ, देख लो और अभी और आएंगे और आएंगे और आएंगे, ध्यान में रखना ये गोलियां तुम हमारे सीने में नहीं मारोगे, ये तुम अपने सीने में चला रहे हो मालिक। चलाओ चलाओ बोली। चल के चल, 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 चल के चल,